हेलो फ्रेंड्स, आज हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखेंगे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया है, उसकी सहायता से आज हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखेंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस तरह से बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद इस पर एक हम पॉइंट लेंगे। अब आपको प्रोटेक्टर जो है इस लाइन पे इस तरह से रखना है और 30 डिग्री पे यहाँ पर एक मार्क लगाना है। 30 डिग्री पे एक और फिर से 30 डिग्री पे एक जो है वो इस तरह से पॉइंट लेना है। उसके बाद आपको सभी पॉइंट्स को जो है इस तरह से मैच करना है। अब हमने तीन एक्सिस जो है वो बना लिए हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हमारा जो एक्स और जेड एक्सिस है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं और ये जो वाई एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो फिर अब हम यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है। तो फ्रंट व्यू में जो है हमें यहाँ पर लेंथ जो है वो 104 mm, जो इसकी मैक्सिमम लेंथ है वो दी हुई है और उसकी हाइट जो है वो 48 mm है और विड्थ तो जो है उस ऑब्जेक्ट की हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू में दिखेगी। तो फिर वो जो विड्थ है वो 72 mm है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब जब ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आएगा और उस ऑब्जेक्ट को उसके लेफ्ट हैंड साइड से देखेगा, मतलब कि उसके लेफ्ट साइड को आकर उस ऑब्जेक्ट को देखेगा, तब हमें उसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है वो दिखेगा। तो हमें फ्रंट व्यू जो है इस तरफ बनाना है। ये जो फ्रंट व्यू है ये हमें इस तरफ बनाना है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है वो हमें इस फेस को बनाना है, मतलब कि अपने लेफ्ट हैंड साइड व्यू, अपने लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो बनाना है। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 104 mm है वो यहाँ से यहाँ तक जो है इस तरह से एक मार्क लेंगे 104 mm। 104 mm मार्क लेने के बाद हमें इस 104 mm से इसकी जो हाइट है, ये हाइट ये 48 mm है, तो 48 mm जो है हमें इस लाइन से ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोलर को वाई एक्सिस को लगा के इस तरह से एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन पे जो है 48 mm इस तरह से हम मार्क लगाएंगे। अब 48 mm मार्क लगाने के बाद हमें ये हाइट जो है, ये हाइट सबसे पहले हम ये जो पोर्शन है ये बना रहे हैं, तो फिर ये जो हाइट है ये 16 mm है। तो 16 mm क्या करेंगे हम वाई एक्सिस पे इस तरह से प्लॉट करेंगे। 16 mm मार्क लगाने के बाद आपको एक्स एक्सिस को एक पैरेलल लाइन जो है इस तरह से बनानी है। अब यह लाइन बन जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 24 mm हमने छोड़ा है। तो 24 mm क्या करेंगे हम यहाँ यहाँ पर अगर छोड़ेंगे तो यहाँ से हमें 80 mm मिलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 24 mm जो है इस तरफ एक मार्क लगा लेंगे। 24 mm मार्क लगाने के बाद हमें एक्सिस को पैरेलल, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को पैरेलल है तो ये लाइन हम बनाएंगे। तो फिर वाई एक्सिस को इस तरह से रोलर पैरेलल लगाना है और ऊपर की तरफ जो है एक लाइन इस तरह से आपको बनानी है। ये लाइन बन जाने के बाद आपको ये लाइन बनानी है 24 mm की। फिर ये जो हमने लिया ये डिस्टेंस 24 mm है तो एक्स एक्सिस को पैरेलल इस तरह से आपको रोलर लगाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इस पॉइंट से यहाँ पर इसे इस तरह से बनाना है। उसके बाद मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले इस पोर्शन को जो है वो डार्क बना देता हूँ। अब यह पोर्शन डार्क बन जाने के बाद आपको इसकी विड्थ जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगी जो कि 72 mm है। तो टॉप व्यू में जब आपको, आप अगर इसका टॉप व्यू बनाओगे तो आपको इसकी विड्थ भी पता चलेगी, पर हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू से भी जो इसकी विड्थ है ये फाइंड कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू की जो विड्थ है वो 72 mm है। तो 72 mm यहाँ से एक लाइन इस तरह से हम बनाएंगे। तो जेड एक्सिस को आपको रोलर इस तरह से पैरेलल लेना है कुछ इस तरह से और एक लाइन जो है इस कॉर्नर से इस तरफ और एक इस कॉर्नर से इस तरफ एक लाइन बनानी है। अब इसकी जो विड्थ है वो 72 mm है, तो 72 mm क्या करेंगे हम यहाँ से इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे। अब 72 mm मार्क लगाने के बाद आपको यहाँ से एक
इस कॉर्नर को मैच करना है। इस कॉर्नर को मैच करने के बाद आपको इसकी जो विड्थ है ये 24 mm है, तो 24 mm यहाँ से हम इस तरफ छोड़ेंगे, तो फिर 24 mm आपको इस तरह से एक मार्क उसी लाइन पे इस तरफ से लगाना है। 24 mm मार्क लगाने के बाद आपको फिर से एक्स एक्सिस को रोलर लगाना है और यहाँ से जो है एक लाइन जो है आपको बनानी है। अब ये जो है लाइंस थोड़े एक्सटेंड करना है आपको। अब आपको फिर से मैं थोड़ा पोर्शन जो है वो डार्क बना के दिखाता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये डार्क बनेगा और यहाँ से भी यहाँ तक इस तरह से यह डार्क बन जाएगा। अब आपको इस कॉर्नर से जो है इसकी लेंथ कितनी थी, तो ये 104 mm थी, तो इस कॉर्नर पर रख के यहाँ से 104 इस तरह से आपको मार्क लगाना है। तो इस कॉर्नर पे इस तरह से आपको रखना है और 104 mm पे इस तरह से एक मार्क लगाना है। उसके बाद जेड एक्सिस को पैरेलल उस कॉर्नर से एक लाइन जो है इस तरह से आपको बनानी है कुछ इस तरह से। अब मैं ये पोर्शन भी आपको डार्क बना के दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पर जो है यहाँ से नीचे की तरफ 16 आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ 16 यहाँ पर आपको दिखेगा ये फ्रंट व्यू में, यहाँ पर नीचे की तरफ 16 फिर यहाँ से 24 यहाँ से इस तरह से ये 24 फिर से नीचे की तरफ 16 और फिर से 24 इस तरह से आपको स्टेप्स जो है वो बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैक्सिस को इस तरह से रोलर लगाएंगे और सबसे पहले इस कॉर्नर से जो है वो एक लाइन नीचे की तरफ लाएंगे कुछ इस तरह से और जेड एक्सिस को पैरेलल जो है यहाँ से इस कॉर्नर से एक लाइन जो है इस तरफ बनाएंगे और ये लाइंस जो है ये आपको बाद में डार्क बनाने हैं। तो फिर सबसे पहले हमने ये जो लाइन एक्सटेंड की है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ जो है ये 24 है, तो 24 आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 यहाँ पर 24 और यहाँ पर 24, तो ये टोटल 72 होते हैं। तो यहाँ पर आपको 24 mm यहाँ से इस तरफ एक मार्क लगाना है। 24 mm मार्क लगाने के बाद फिर से आपको रोलर को वाई एक्सिस को इस तरह से लगाना है और 16 mm ऊपर की तरफ इस तरह से एक लाइन एक्सटेंड करनी है। उसके बाद यहाँ पर इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ 16 mm जो है आपको एक मार्क लगाना है। तो 16 mm पर मार्क लगाने के बाद फिर से जेड एक्सिस को रोलर इस तरह से पैरेलल लगाना है और एक स्टेप जो है इस तरह से यहाँ पर बनानी है, इस तरह से एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर फिर से ये जो है ये 24 है, तो 24 क्या करेंगे हम यहाँ से इस तरफ एक मार्क लगाएंगे। 24 mm मार्क लगाने के बाद इसे फिर से ये फिर से वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो वाई एक्सिस को हम क्या करेंगे इस तरह से रोलर लगाएंगे और ऊपर की तरफ इस कॉर्नर से यहाँ पर इस तरह से इसे मैच करेंगे। तो ये हमारा जो है ये 16 mm हो गया। तो 16 mm ये लाइंस बन जाने के बाद अब आपको इस कॉर्नर से जो है इस तरफ एक लाइंस जो है वो एक्स पैरेलल बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस को पैरेलल जो है इस कॉर्नर से एक लाइन बनाएंगे इस कॉर्नर से आपको ये लाइंस जो है इस तरह से बनानी है। ये लाइंस जो है आपको यहाँ पर दिखेंगे यहाँ पर फ्रंट व्यू में। अब उसके बाद इस कॉर्नर से इस लाइन तक आपको जो है वाई एक्सिस को पैरेलल एक लाइन बनानी है इस कॉर्नर से यहाँ से यहाँ तक। अब लाइंस बनाने के बाद फिर से जेड एक्सिस को पैरेलल एक लाइन बनानी है, जेड एक्सिस को इस तरह से एक पैरेलल एक और एक लाइन बनानी है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर से वाई एक्सिस को पैरेलल नीचे की तरफ एक लाइन बनाना है, तो फिर से वाई एक्सिस को पैरेलल यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनानी है और फिर से जेड एक्सिस को पैरेलल इस जेड एक्सिस को इस तरह से पैरेलल एक और एक लाइन बनानी है। अब हमने जो इसका फ्रंट फेस है ये फेस जो है अब कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पूरे ड्राइंग को जो है वो डार्क डार्क बन जाने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फिर मैं फिर से आपको ये ड्राइंग जो है इस फिर से समझाता हूँ। तो हमें
ऑब्जर्वर जब इस तरफ से देखेगा तो उसके लिए ये जो है उसका फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू में आपको ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये आपको यहाँ पर दिखेगा जो कि 104 mm इसकी लेंथ है। यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी हाइट कितनी 48 mm, यहाँ से ऊपर 48, ये यहाँ से 24 और ये यहाँ से यहाँ तक 24, नीचे की तरफ 32 और फिर से यहाँ तक 80 mm और यहाँ से नीचे 16, ये आपको फ्रंट व्यू में दिखता था। ये जो 16x80 का जो ये ब्लॉक है ये आपको यहाँ पर दिखता था। तो हमने इसे भी यहाँ पर और ये यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स दिखते हैं यहाँ पर ये और ये आपको फ्रंट व्यू से दिखता था। तो ये फेस और ये फेस आपको फ्रंट व्यू से दिखता था। तो और लेफ्ट हैंड साइड व्यू से मतलब कि ऑब्जर्वर जब यहाँ से यहाँ तक आएगा और उस वो जब इसे यहाँ से देखेगा तो उसे ये फेस जो है ये क्लियरली विजिबल है। तो हमने इसे जो है इस तरह से स्टेप्स जो है यहाँ पर बनाए हैं। और ये जो डार्क दिखता है ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डार्क दिखता है ये पोर्शन है। तो अगर आप इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू में जो है ये पोर्शन भी आपको दिखेगा, ये वाला पोर्शन, ये ऊपर के स्टेप्स जो है ये आपको दिखेंगे, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड स्टेप्स आपको दिखेंगे। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जाकर आप वह सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।